मानवाड़ी सामाजिक कुंभ 2020 का सफल आयोजन आज अपने समापन की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई श्री मनोज कुमार पांडे जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर संतों का स्वागत किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई श्री प्रवीण गुंजन जी, जिन्होंने अपने पूरे समय को हम युवाओं के साथ रह के कार्यक्रम प्रमुख के रूप में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय प्रमुख है, लेकिन आपने एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों के बीच में रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाए। आप स्मृति चिन्ह देकर संत जनों का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आवाज देता हूँ बड़े भाई श्री विनोद कुमार भारती जी, आप भारतीय जनता पार्टी पैनलिस्ट है उत्तर प्रदेश के, आप एक कार्यकर्ता की तरह हम लोगों के बीच आज विगत एक महीने से रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आपका योगदान रहा है इसका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके द्वारा स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम के संतों का स्वागत किया जा रहा है। श्री शशिकांत मिश्र जी पूर्व प्रयागराज विश्वविद्यालय के आप छात्र नेता है, आपने जो सहयोग प्रदान किया इस कार्यक्रम में आपके कार्य आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदेव कुशवाहा जी आप किसी भी मंच पर उपस्थित हो, आप सभी के नेतृत्व में आज इस विराट रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत हो रहा है। पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर संत भगवान को सम्मानित किया जा रहा है। आपका भी कार्यक्रम में बहुत 3 वर्ष से आयोजित मानवाड़ी समाज एवं मंच पर उपस्थित सभी संतजन श्रद्धालुओं, मीडिया जगत मित्रों, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यकर्ता, आयोजन समिति के सभी साथियों, यह आभार और स्वागत कार्यक्रम परसों उद्घाटन से ही चला आ रहा है। आज यह सामाजिक कुंभ का समापन सत्र है। अभी संत जनों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जैसे कि परंपरा रही है आज के विगत 3 वर्ष पूर्व यह जब सामाजिक कुंभ एक छोटे से रूप में शुभारंभ लिया था, आज इतना भव्य स्वरूप में यह कार्यक्रम हो रहा है और एक अनूठा प्रयोग भक्ति एवं राष्ट्र समर्पित समाज की परिकल्पना। भक्ति यानी संत, मैं सभी अपने अनुभव को संत जनों का शीर्ष झुकाकर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ मानवाड़ी के इस तट पर। मित्रों, जब कोई कार्यक्रम होता है किस जगह से आप आए कुंभ मेले में? और कल ही सेक्टर 12 में यहाँ पर आपको कैसा प्रतीक हो रहा है? अच्छा, स्वागत है एकदम। और इसी जो चीजों में सबसे आया है उसको मैं बुझने नहीं दूंगा। और इस अभियादी राम जी महाराज के द्वारा जब प्रस्ताव सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा तो कई चीजें आएंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये जो आपके आपकी जो ये दवा, जो दवा का प्रतीक रखे हैं, जो आप बच्चों के लिए या जो भी बूढ़े जवान हैं सभी के लिए दवाएं यहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब अभी तक किसी मतलब अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई। गौ माता और कृषि कहाँ से होती है? शहरों से नहीं होती है, तराई क्षेत्रों में होती है। इसलिए अगर गांव नहीं रहेंगे, कृषि नहीं रहेगी, गौ माता नहीं रहेगी तो ये सृष्टि भी नहीं रहेगी। इसलिए हम लोगों ने
जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया है उसका एक ही उद्देश्य है कि जो सब लोग शहरों की तरफ भगते चले जा रहे हैं, शहरों की तरफ से देहात एरिया की तरफ उनकी दृष्टि हो। जिस नारायणी माँ का इतना बड़ा महत्व, जिस नारायणी माँ के किनारे से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था पश्चिमी चंपारण, जहां भी हमारे पश्चिमी चंपारण के भक्त लोग मदरहमा